शाह का ऑपरेशन कवच सीधा कांग्रेस को कैसे भेद गया, सुनिए 5,000 करोड़ के खेल की पूरी इनसाइड कहानी। कौन है तुषार गोयल जिसने दिल्ली में खोली नशे की दुकान, पुलिस खंगाल रही दुबई का कनेक्शन, लॉरेंस से जुड़े तार, हजारों करोड़ का कारोबार, 90 दिन पहले दिल्ली पुलिस को किसने दिया था इनपुट, क्या दिल्ली की नुक्कड़ पे चाय नहीं नशा बेचे जाने का प्लान था, आपके लड़के लड़कियों के हाथों में सफेद पुड़िया पकड़ाने का प्लान था जिससे सुनकर वो झूमते और गिर जाते, ना कुछ सोच पाते ना देश के लिए कुछ कर पाते, दुश्मनों ने इतना बड़ा प्लान बनाया कि दिल्ली भी उड़ता पंजाब बन जाती, विदेशी एयरपोर्ट से धान गेहूं जैसी मजबूत बोरियों में क्विंटल के क्विंटल खेप सीधा एयरपोर्ट पहुंच रही थी, वहां से बाल सीधा गोदाम में जा रहा था और फिर सप्लाई इतनी सतर्कता से होती कि दारोगा छोड़िए एसपी तक को भनक लगना मुश्किल था, पर 90 दिन पहले दिल्ली में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर गृह मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारी भी हिल जाते, लोकल इंटेलिजेंस से लेकर आईबी तक की टीम एक्टिव हो जाती है और लॉन्च होता है भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशन कवच। एसपी कैलाश सिंह बिष्ट, इंस्पेक्टर राहुल कुमार और विनीत तेवतिया की टीम फिल्मी अंदाज में जानकारी जुटाने में लग जाती है और जब जानकारी पुख्ता हो जाती है तो 2 अक्टूबर को महिपालपुर के एक गोदाम में छापा मार के करीब 560 किलोग्राम कोकीन जब्त करती है जिसके इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 5,600 करोड़ रुपए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 560 किलोग्राम कोकीन से कांग्रेस के नेता का कनेक्शन क्या है, जिसके बारे में बताते बताते सुधांशु त्रिवेदी ये भी पूछ लेते हैं कि क्या चुनावों में कांग्रेस इसका पैसा इस्तेमाल करना चाहती थी। ये जो पैसा बरामद हुआ है ये पैसा कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी के ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व होने का है, तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, ये शक पैदा होता है। दूसरा शक, ये जो पैसा है क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था, 5,600 करोड़ रुपए किस पर्पस से था और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध है। सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें भी आती है जिसमें इस मामले के सबसे बड़े सरगना तुषार गोयल के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता नजर आते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के साथ तुषार गोयल की तस्वीर जैसे ही सामने आई सियासी महकमे में एक तरह से हड़कंप मच गया और ये चर्चा होने लगी कि शाह का ऑपरेशन कवच कांग्रेस को भेद गया है, अब बस और पुख्ता सबूत जुटाए जाने बाकी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। कौन है किंग पिंग तुषार गोयल? दिल्ली के वसंत कुंज में रहने वाले तुषार गोयल अपने पिता का पब्लिकेशन हाउस संभालता है। साल 2022 में प्रदेश कांग्रेस के आरटीआई सेल का हेड बना, फिर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आईपी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद कारोबार के सिलसिले में जब ये दुबई गया वहीं ग्रुप से मिला, नार्को कार्टेल गैंग के साथ मिलकर ये भारत के हर राज्य में सप्लाई का काम करने लगा। उसने मुंबई में बकायदा एक हेड को भी बिठा रखा था जिसका नाम था भरत, उसे भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बॉडीगार्ड हिमांशु और ड्राइवर औरंगजेब सिद्दीकी भी इस पूरे खेल में शामिल बताए जा रहे, जिनकी गिरफ्तारी से पुलिस को कई बड़े राज मिलने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि ये रैकेट सिर्फ दिल्ली तक ही है, बल्कि कुछ दिनों पहले जब गुजरात से बार बार इस तरह के पैकेट पकड़े जा रहे थे तो गुजरात पुलिस ने ये भी कहा था, 2 साल पहले लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान से 194 करोड़ का पैकेट मंगवाया था, उसके बाद 3,000 करोड़ का सामान भी गुजरात के बंदरगाह से भी पकड़ा गया, मतलब गुजरात एपिक सेंटर बनता जा रहा था। लेकिन बार बार गिरफ्तारी के बाद दुश्मनों ने इस बार दिल्ली को अपना स्पॉट चुना, यहीं से अलग अलग जगहों पर डिलीवरी होनी थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था ऑपरेशन कवच इस बार उनकी छाती भेदने को तैयार है। दिल्ली पुलिस को जैसे ही खुफिया सूत्रों से खबर मिली एक
बड़ी खेप विदेश से आने वाली है। उसने आकाओं तक पहुंचने का प्लान बनाया और रंगे हाथ उस आका को पकड़ा जिसका कॉन्टैक्ट सीधा दुबई में बैठे एक ऐसे डॉन से था जो दुनिया भर में ऐसे काले कारोबार का किंग कहा जाता है। अब उसके बारे में पुलिस इंफॉर्मेशन जुटाने में लगी है और जल्द ही दिल्ली पुलिस कोई ऐसा खुलासा करेगी जिसके बाद आप फिर से सल्यूट करेंगे, कहेंगे सिस्टम को ऐसे ही ईमानदार और बहादुर ऑफिसर्स की जरूरत है। ये कोकीन अगर आम लोगों के हाथ में लग जाती तो करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी।